फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ रिलायंस इंफ्रा सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि पिछले जो वन ईयर का अगर हम चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स रिलायंस इंफ्रा के बारे में तो बहुत बड़ी तेज़ी आई है और हर एक वीडियो में मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया है कि क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा खासा तेज़ी रिलायंस इंफ्रा में दिख रहा है तो और इस वीडियो में हम एकदम बारीकी से हर एक डिटेल जानेंगे उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स आपको सिर्फ एक सेकेंड लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मैं ऐसी वीडियोस अब तक बना के ला सकूँगा तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इस प्र, इस शेयर को बताया था कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन रुपीज़ से मैं बता रहा हूँ कि आप बाय कर सकते हो ये हंड्रेड की रेंज तक जाएगा और इसको लॉन्ग टर्म चल सोच के चलना है यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिसीजंस ले रहा है डेफ्री बनने की और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो कि क्या कुछ डिसीजन अभी तक रिलायंस इंफ्रा ले चुका है डेफरी बनने के लिए तो 108 से जब ये शेयर लोअर सर्किट लगना चालू हो गया था यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फोर टू फाइव लोअर सर्किट देखने को मिले थे और मैंने हर बार यही बोला था कि हमें पैनिक नहीं होना है जिन्होंने भी इस शेयर को बिलो थर्टी फोर्टी फिफ्टी ख़रीदा है वो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं और जो जिनकी प्राइस एकदम कट टू कट थी यानी फिलहाल आज के डे का अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ आज के दिन का तो ये ओपन हुआ था लोअर सर्किट से तो जो लोग एटी एटी वन थे उन लोगों ने पैनिक होकर डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर दिया होगा ये शेयर तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन हुआ लोअर सर्किट से लेकिन उसके बाद इमिडिएटली अपर सर्किट उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और फिर से कंटिन्यूसली अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स इसको लॉन्ग टर्म सोचना है क्योंकि अगर ये कंपनी डेफरी बनता है तो आप इसका चार्ट देखोगे ऑल टाइम हाई का तो देखिए ये टू थाउजेंड सिक्स इसका ऑल टाइम हाई है अगर ये डेफरी बनता है इसके फाइनेंशियल्स भी मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि ये इस फिलहाल इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये थाउजेंड्स करोड़ में ये जो है जो है नेट इनकम जनरेट करता है अगर ये कंपनी डेफ्री बनता है तो इतना सारा जो प्रॉफिट होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और क्योंकि डे दे, कंपनी डेफ्री बनने वाली है तो रिलायंस इंफ्रा मेनली सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है uh, वो मेनली रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर इन दो शेयर को अनिल अंबानी जी बहुत अच्छे से बैक कर रहे हैं तो इन दो शेयर्स में ही फ्यूचर होगा रिलायंस Uh, से रिलेटेड यानी अनिल अंबानी जी का तो इनमें पैनिक में कुछ भी सेल मत कीजिए इसमें लॉन्ग टर्म चल के सोचिए और तभी जाके हमें इसको मल्टी बैगर बनते हुए देख सकेंगे तो यही डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो